हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम महाजनपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में स्किप मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, जिसमें एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी हुई है। आपको करना क्या है, आपको सही मैच करना है कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो सबसे पहले गांधार की बात करते हैं। तो गांधार की जो राजधानी है वो है आपकी तक्षशिला, इसका 4 हो जाएगा। सुरसेन की हो जाएगी मथुरा। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इस तरह सही कूट कौन सा हो जाएगा, इसमें हमने चौथा मैच किया, फिर उसके बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, बिंबिसार को, उदयन को, अजातशत्रु को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, क्योंकि बिंबिसार का पुत्र था, उसे कुड़िक कहा जाता था। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को आज के टाइम में पटना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी उदयन ने की थी, और उदयन आपका अजातशत्रु का पुत्र था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और इसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 323 यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेबीलोन। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिकंदर महान एवं पोरस, जिसे पुरु भी कहा जाता था, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, रावी नदी के किनारे, झेलम के, सतलज के या चिनाब के। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा कि जो सिकंदर महान और पुरु की सेनाएं थी उन्होंने झेलम नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रतीक के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश कर बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो थे वो भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया है, ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि पाली ग्रंथों में गाँव के जो मुखिया थे उन्हें भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका, तक्षशिला, कार्निकुब्ज या धान्यकटक। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। फिर कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन। तो यहाँ महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था और घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैनरमीज कहा गया है, अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को या घनानंद को। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि भारत में यानी प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया,
ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, सको द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कह रहा है कि पहला विदेशी आक्रमण, इसलिए यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एंड पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, सको द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शन आपके पास साइरस, डेरियस या दारेबाउ फर्स्ट, जेरसिस या डेरियस दारेबाउ थर्ड। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ईरान का हखमनी वंश का शासक था डेरियस, उसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाइडेस्पस या वितस्ता, जिसे हम अभी के टाइम में झेलम के नाम से जानते हैं, झेलम नदी, वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, या सिकंदर एवं आम्भी के मध्य? तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। वितस्ता का जो युद्ध हुआ था 326 BC में, वो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईसवी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईसवी? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इस क्वेश्चन में एक तरफ आपको शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वंश दिया हुआ है, सही मैच करना है। तो बिंबिसार जो थे वो आपके हर्यक वंश के थे, कालाशोक जो थे वो शिशुनाग वंश के थे, महापद्मनंद नंद वंश के थे और बिंदुसार ये आपके मौर्य वंश के थे। तो यहाँ जो सही कूट है वो है 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 किसमें दिया हुआ है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं, यानी आधुनिक क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला कह रहा है मगध, तो मगध जो है वो पटना व गया के जिले हैं इस टाइम में। वत्स जो है उसे अभी के टाइम में इलाहाबाद कहा जाता है। कौशल को कहा जाता है अवध, अवंती को कहा जाता है मालवा। तो यानी ये प्राचीन नाम है महाजनपद के और आधुनिक नाम जो है वो ये है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह या चंपा? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयन द्वारा। उदयन ने ही गंगा एवं सोन नदियों के तट पर क्या किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों की जो सूची या जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो अगर जैन ग्रंथ के बारे में बात करें तो भगवती सूत्र हो जाएगा, अगर बौद्ध ग्रंथ के बारे में बात करें तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। यहाँ सिर्फ यही ऑप्शन दिया था, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो घनानंद था वो सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वो एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। यानी इसमें चारों सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 ये सभी रीजन एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक तरफ राजा दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं, यानी कौन सा राजा किस राज्य से रिलेटेड था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रगोद, यानी प्रगोद राजा किससे रिलेटेड था? प्रगोद आपके अवंती के राजा था। उदयन अवध, सॉरी मगध के राजा थे, सॉरी
उदयन मगध के राजा नहीं थे, यहाँ आपका एक गलत दिया हुआ है, यहाँ उदयन नहीं उदयन होना चाहिए। उदयन और उदयन दोनों डिफरेंट होते हैं। उदयन जो था वो आपके मगध से रिलेटेड थे, लेकिन जो उदयन था वो आपके किससे रिलेटेड थे, वत्स से रिलेटेड थे। प्रसेनजीत कहाँ से रिलेटेड है, कोसल से, और अजातशत्रु आपके मगध से रिलेटेड। तो इस बात का ध्यान रखिए कि उदयन और उदयन दोनों डिफरेंट पर्सन हैं। उदयन जो था वो वत्स देश का राजा था, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी जो मगध देश का राजा था और अजातशत्रु का पुत्र था। तो यहाँ जो सही मैच हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 3241। 3241 किसमें दिया हुआ है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अभिलेखी सास से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ खोदी गई थी, अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अभिलेखी सास से जो प्रकट हुआ है कि नंद राजा के आदेश से जो नहर खोदी गई थी वो कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था वो कौन था, साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस या जेरासिरा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डेरियस ने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, वज्जिसंग, पांचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अजातशत्रु का वज्जिसंग के साथ हमेशा युद्ध चलता रहा और वज्ज को जीतना चाहते थे। वज्ज बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य था, लेकिन अंत में इन्होंने वज्ज पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। अजातशत्रु ने दो नए हथियारों का भी किया था, मतलब निर्माण किया था, खोज की थी, रथमूस, पहला था महाशिला कंटक और दूसरा था रथमूसल। यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें दिया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वज्ज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अजातशत्रु ने पहली बार रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, क्योंकि इसकी खोज इसी ने की थी और वज्जी के विरुद्ध इसका प्रयोग किया और वज्जी पर विजय भी प्राप्त की। फिर कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो जो घनानंद था वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ, यानी मुद्राओं का जो भारत में प्रचलन हुआ था वो कब हुआ था, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व में। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ। फिर कह रहा है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इसमें कह रहा है कि कौन बुद्ध के समकालीन थे, यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से समकालीन थे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो अजातशत्रु था और प्रसेनजीत थे ये बुद्ध के समकालीन थे। तो यहाँ 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, जनजातीय समाज में अधिव्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया गया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा था और वही रीजन था कि 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय हुआ। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और लोहे का जो उपयोग सर्वप्रथम किया गया था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल से पहले लोग लोहे के बारे में परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, कोसल, अंग, अवंती या वैशाली। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मगध राजा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबिसार जो था वो मित्रवत संबंध रखने में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, यानी मित्रवत संबंध रख के वो अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाता था। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो शिशुनाग था उसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। फिर कह रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बिंबिसार था उसने
अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिसुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? अवंती का, वत्स का, ए और बी दोनों का, या काशी का? तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिसुनाग ने काशी का विलय अपने मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, या सिसुनाग ने? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, बिल्कुल सही बात है। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रात्मक यानी सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि भी धारण की। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन भी एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गिरिव्रज, राजग्रह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी चार राजधानियां बनी, ये भी सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी, इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। तो यहाँ ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंदवंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, या कर्ण वंश? तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो घनानंद था वो क्या था? सिकंदर के समकालीन था और मगध पर उस टाइम नंदवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली नगर या राज्य था। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, सही बात है। अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की जो कला का प्रचार है वो भी ईरानी आक्रमण के बाद ही आया। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार भी ईरानी आक्रमण के बाद से ही हुआ और घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार भी यहीं से हुआ और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी यहीं से हुई। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी पांचों कारण दिए हुए हैं पांचों ही एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? पहला, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही है, एकदम सही ये प्रभाव था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी करेक्ट है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है, ये प्रभाव नहीं था, ये सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के साथ, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, या मगध? तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मगध था उसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, राजतंत्रात्मक थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, या सिसुनाग को? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बिंबिसार था यानी अजातशत्रु का पिता, उसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया कि किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद, घनानंद, सिसुनाग, या बिंबिसार? तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि डेरियस, जिसे दारहबाओ फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया, तो उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, या 270 टैलेंट? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे 360 टैलेंट मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियाकर्स, इनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस, या हेरोडोट्स? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हेरोडोट्स था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक,
या ग्राम भोजक। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि महाजनपद काल में जो श्रेणियों के संचालक होते थे उन्हें श्रेष्ठिन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि गृहपति का अर्थ क्या होता था, धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, गृहपति का अर्थ होता था महाजनपद काल में धनी किसान। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक तरफ संस्थाएं दी हुई हैं, सॉरी यहाँ नेम दिए हुए हैं, इधर उनके काम दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा सही मैच हो जाएगा। तो देखते हैं, तो पहला कह रहा है अष्टकुलक। तो अष्टकुलक जो होती थी वो परामर्शदायी संस्था होती थी, यानी ऐसी संस्था जो परामर्श देती थी। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बड़ी साधक जो होते थे वो किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे। और जो शुक्ला अध्यक्ष होते थे वो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते थे। तो यहाँ जो आपका सही मैच हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था। ऑप्शन आपके पास बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मौर्यों द्वारा, नंद द्वारा, गुप्त द्वारा या लिच्छवी द्वारा। यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लिच्छवी ने पहली बार वैशाली में गणतंत्र स्थापित किया था, पहला गणतंत्र विश्व का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर यहाँ एक तरफ महाजनपद दिया हो, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है, आपको सही मैच करना है। तो जो कुरु की राजधानी थी वो थी आपकी इंद्रप्रस्थ, पाचाल की कौन सी थी, कोसल की श्रावस्ती हो जाएगी जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, वत्स की कौसाम्बी हो जाएगी और पांचाल की अहिच्छत्र हो जाएगी। तो यहाँ सही मैच कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो 4, 3, 1, 2 किसमें दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। ऑप्शन आपके पास अगुंतर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। यही अगर आपसे जैन ग्रंथ के बारे में पूछ लेता तो यहाँ आपका भगवती सूत्र हो जाता, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि छठी सिद्धि ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ स्थित था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि छठी सदी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था, तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या भरत पूजा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो वितस्ता नाम प्राचीन नाम था वो झेलम का था। अभी आधुनिक नाम जो है वो झेलम नदी को, तो झेलम जानते हैं लेकिन प्राचीन नाम उसका वितस्ता था। और वितस्ता के नदी के तट पर ही पोरस और किसके बीच में, पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 57 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।